व्यूअर्स, जो जैसा हमने आपको बताया था कि हमारे साथ जुड़े हैं खुद्दाम कमेटी के मेंबर है खादिम काशिफुद्दीन ताजी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो हम NN TV के माध्यम से आपका इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं, और सबसे पहले NN TV और हमारी पूरी टीम की जानिब से सरकार की छठी शरीफ आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो कुछ बताइए हज़रत, मतलब यहाँ ये जो मजमा नहीं है, गाइडलाइन के बारे में कुछ बताइए व्यूवर्स को। NN TV का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मैं आपको 26 के और उर्स के ताल्लुक से कुछ बताना चाहूँगा इंशाल्लाह। जैसे कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के मुताबिक जो प्रोग्राम हमारे यहाँ हो रहे हैं और होते हुए आ रहे हैं हर साल, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ बहुत ज़ोरों शोर से उर्स मनाया जाता था, लेकिन COVID-19 की वजह से जो महामारी फैली हुई है पूरी वबा दुनिया भर के अंदर में, उस वजह से इंडिया और महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक हमारे यहाँ उर्स मनाया जा रहा है। जैसे कि 22 मुहर्रम उल हराम हमारे यहाँ 1 सितंबर को बाबा हुजूर की बारगाह में फ्लैग होस्टिंग परचम कुशाई की गई, उसी तरीके से आज हुजूर की 26वीं है, 5 सितंबर 26 मुहर्रम उल हराम, और हुजूर की 26वीं में जो संदल निकलता था जो दुनिया भर के अंदर बहुत प्रसिद्ध माना जाता है, और ये संदल एक ऐसा वाहिद संदल है जो हुजूर की बारगाह में जात हुआ हुजूर की हयात तैयबा में सन 1923 में। अच्छा, जो कि हुजूर सरकार ताजुल्लाह आप अपने जाहिरी हयात से मोहम्मद हुसैन बाबा को 1-2 रुपए देते हैं और बोलते हैं मोहम्मद हुसैन हमारा संदल निकाल दे। उस दरमियान मेरा ख्याल है बिलक की बीमारी वबा आई थी। अच्छा, जो आज से 100 साल बाद जो COVID-19 फैला है उसी दरमियान एक 100 साल पहले बिलक की बीमारी आई थी, जो बिलक की बीमारी से नागपुर शहर और दीगर अतराफ हिंदुस्तान और मुल्क के अंदर में काफ़ी तादाद में लोग मरे जा रहे थे जी। जैसे आज कोविड का दौर है उस तरीके से बिलक का दौर हुआ करता था। तो हुजूर के संदल निकलने के बाद से जो वो भी 26 मुहर्रम ही था अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और आपके विसाल का दिन भी 26 मुहर्रम उल हराम ही है, और बाबा हुजूर का एक बड़ा करम है, फैजान है इंशाल्लाह। हमारी ये नीयत है और हमारा दिल और अकीदा है, ईमान है हमारा कि जो हुजूर का उर्स हो रहा है इंशाल्लाह ये वबा भी इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगी। और कल जो है आपको बता दिया जाए भाई, क्या जो ज़ाहिरी नजरात लाइव देख रहे हैं NN TV के माध्यम से, वो अपने घर में रहे, सेफ रहे, सुरक्षित रहे। मेरा मानना है कि आप यहाँ पर आने की जहमत ना करें, क्योंकि दरबार शरीफ में ज्यारत कसीर तादाद में बंद है, ज्यारत के लिए कोई परमिशन नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, और पुलिस प्रशासन का यहाँ पर एक बहुत बड़ा तांता लगा हुआ है जो मैनेजमेंट के लिए आया हुआ है, जी, जो हमारी रक्षा के लिए आया हुआ है, तो हमें उनको कोऑपरेट करना है और ऐसा कोई काम ना करे जिससे ताजाबाद ट्रस्ट या खुद्दाम दरगाह ट्रस्ट को नुकसान पहुँचे या बदनामी का बायस हो उठाया जाए। और मेरा मानना यही है कि आप अपने अपने घरों से दरूद व सलाम पेश करें हुजूर की बारगाह में, और हुजूर की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें। कल सुबह 9 बजे संदल होगा, जिसमें हमारा ख्याल है ताजाबाद ट्रस्ट को 5 लोगों का परमिशन मिला है, जो वो 5 लोग आपस में ही संदल को कर लेंगे इंशाल्लाह। शाम में हुजूर की बारगाह में 6 बजे सलाम बाद चादर पेश होंगी, और परसों के दिन 27 मुहर्रम हुजूर की बारगाह में छोटा कुल होगा, कुल की फातिहा होंगी, और 29 मुहर्रम उल हराम 8 सितंबर को बड़ा कुल उर्स समाप्त हो जाएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया NN TV। अच्छा, इस एक मिनट हजरत मैं माफ़ी चाहूँगा, इस पूरे पीरियड में कोई भी दिन लोग नहीं आ सकते, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कल आ सकते क्या, परसों आ सकते क्या, तो अभी मतलब ये 2-4 दिन के पीरियड में तो बंद ही है ना पूरा। मेरा मानना है आप ना आए तो बेहतर है। जी जी, क्योंकि कोविड महामारी बहुत जम के फैली हुई है। जी हाँ जी, उसके हिसाब से और क्राउड भी बहुत है पब्लिक का। जी, बाहर में क्राउड, मतलब ये ना हमारा ऐसा हाँ, मानना है कि क्राउड हो सकता है, बहुत ज्यादा क्राउड हो जाएगा अगर हाँ बोल दिया आपने तो, कि आप ना आए तो बेहतर है। जी जी, और आपके आने से जो है क्राउड ज्यादा फैलेगा और किसी को मौका भी नहीं देना है हमको कि बोले भी देखो इन लोगों की वजह से ये हो गया वो हो गया। खैर, सरकार ताज है, लाज रखने वाले इंशाल्लाह, और हुजूर इंशाल्लाह लाज रखेंगे बेशक, और मौला इस COVID-19 इस महामारी का खात्मा फरमाए, आमीन, और हमें हक बोलने की, हक बात बोलने की, हक पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने।